हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं लेडीज़ कार्डिगन्स और पुलोवर्स के लिए जो है वो स्पेशल ये आसान सा हल्की सी जाली वाला सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये अगर आप दो कलर में बनाते हैं, दो दो सिलाइयों पर जो है कलर चेंज करके, तो ये लहरिया डिज़ाइन बनेगा। इसे मैंने जो है एक ही कलर पर यहाँ पे आपको बताया हुआ है। बहुत प्यारा सा इजी सा डिज़ाइन है और जो बिगिनर्स हैं वो भी इस डिज़ाइन को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो इसकी जो रॉन्ग साइड है वो बिल्कुल इजी है। सारी जो सिलाइयां हैं वो उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। सिर्फ हम फ्रंट साइड पे जो है इस आसान से पैटर्न को बनाएंगे। और ये पैटर्न जो है 12 रोज़ का, 12 इजी रोज़ का रिपीट पैटर्न है। 12 सिलाइयों में हम इसे बनाएंगे और सिर्फ फ्रंट साइड पर डिज़ाइन को अप्लाई करेंगे। और इसे बनाने के लिए फंदे जो हैं वो लेने हैं हमने 16 के मल्टीपल में, 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस, इस तरीके से। और इस तरीके से जब फंदे बना लेंगे तो लास्ट में जो है 3 फंदे एक्स्ट्रा बनाने। यहाँ ये जो सैंपल है यहाँ पे मैंने 3 बार जो है ये बनाया है, तो 16 के मल्टीपल में जो है 48 स्टिचेस इस सैंपल पे हैं और 3 फंदे और हैं, तो 51 फंदों पर ये बना है। तो देखिए ये जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा ना खुलता है ना श्रिंक होता है, तो आप इस हिसाब से जो है आप अपने प्रोजेक्ट पर ये फंदे लीजिएगा। बहुत इजी है और देखने में बिल्कुल सोबर ब्यूटीफुल डिज़ाइन लगता है। तो इसे चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने 16 के मल्टीपल में 32 प्लस 3 एक्स्ट्रा फंदे, तो 35 फंदे टोटल कास्ट ऑन करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैं दो बार जो है आपको ये डिज़ाइन बना के बता रही हूँ। तो रो वन देखिए हमने क्या करना है। आप बॉर्डर किसी भी तरीके से बना सकते हैं जैसा आपको बनाना है, और उसके बाद फ्रंट साइड पे रो वन शुरू करेंगे। तो एज स्टिच जो है वो हम हर बार स्लिप करेंगे दोनों तरफ से। आप बुनना चाहते हैं तो बुन सकते हैं। एज स्टिच स्लिप करने के बाद रो वन पे हमने सारे के सारे फंदे इस तरीके से सीधे सीधे बुनने हैं। तो ये सिलाई जो है मैं रो वन यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए रो वन फ्रंट साइड पे मैंने पूरी सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली है और अब रो टू बना रही हूँ। तो जिस तरीके से रो टू है वैसे ही सारी की सारी रॉन्ग साइड की रोज हैं। हर रॉन्ग साइड रो पर हम जो है पहला फंदा स्लिप कर लिया करेंगे। आप बुनना चाहते तो बुन सकते हैं और उसके बाद सारे के सारे फंदे इस तरीके से हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो आगे जो है वीडियो में मैं रॉन्ग साइड की रोज आपको नहीं बताऊंगी। और अब ये रो टू जो है मैं पूरी उल्टी बुन के यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए रो थ्री फ्रंट साइड पे हम किस तरीके से बनाएंगे। एच स्टिच को करेंगे हम स्लिप यहाँ पे। अब देखिए दो का एक करेंगे इस तरीके से बैक लूप से, उसके बाद 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे बुन लिए। इसके बाद अब हम एक डालेंगे जाली। तो ये देखिए एच स्टिच के साथ 2 4 6 8 9 9 फंदे जो है हम शुरू में ऐसे बनाएंगे और अब यहाँ से हमारा जो है 16 फंदों का रिपीट पैटर्न शुरू होता है और उन्हीं 16 फंदों को जो है आपने रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पे अब जो है देखना है 9 फंदे शुरू के इस तरीके से बनाने के बाद। अब देखिए हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा, एक जाली, यहाँ पे 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। उसके बाद अब यहाँ पे हमने देखिए क्या करना है, 3 का एक करना है इस तरीके से। 1 2 दूसरे फंदे के बीच में से इस तरीके से सिलाई डालेंगे, स्लिप करेंगे दोनों फंदों को, तीसरा फंदा जो आगे है उसे सीधा बुनेंगे। ये स्लिप किए फंदों को इनके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, तो यहाँ पे 3 का 1 ऐसे कर देंगे। तो उसके बाद आप 6 फंदे और सीधे बुनेंगे, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे डाल देंगे एक जाली। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ तक ये 16 फंदे बनते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 16।
तो अब यही 16 फंदे जो है हमने रिपीट करते जाना है, और रिपीट करते जाएंगे एंड में जो है हमारे पास रह जाएंगे ये 10 फंदे। तो ये 10 फंदे किस तरीके से बनाने हैं ये देखिए, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक चाली डालेंगे, 6 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 का एक फ्रंट लूप से करेंगे ऐसे, और एच स्टिच जो है इसे हम सीधा ही बुन लेंगे ऐसे। इसके बाद रो 4 जो है हम बनाएंगे पूरी उल्टी। तो 4 रोज देखिए पैटर्न की हो चुकी हैं कंप्लीट। तो अब जैसे हमने रो 3 और 4 बनाई हैं, इसी तरीके से जो है हमने रो 5 और 6, 7, 8, 9, 10 बनानी है। तो मतलब कि रो 3 और रो 4 को हमने 3 बार और रिपीट करना है। तो सेम यही लास्ट की 2 हम 3 बार और रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको ये रो 3 रिपीट करके बता रही हूँ। एच स्टिच को स्लिप करेंगे, उसके बाद 2 का एक बैक लूप से कर देंगे ऐसे, उसके बाद 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे सीधे बनाने के बाद एक जाली डालेंगे, और ये शुरू के 9 फंदे इस तरीके से बनेंगे। इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था देखिए, एक फंदा सीधा बुना था, फिर एक जाली डाली, फिर 6 फंदे सीधे बुने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 3 का एक करना है ऐसे, SSPO, स्लिप स्लिप पास ओवर ऐसे, उसके बाद 6 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ डालनी है एक जाली। तो यहाँ तक जो है ये 16 फंदे मैंने रिपीट कर लिए हैं, और इसके बाद एंड के 10 फंदे जो हैं वो हमने बनाने हैं। एक फंदा सीधा, एक जाली, 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 का एक फ्रंट लूप से, और एंड में एचेस सीधा। तो ये रो 3 को जो है मैंने रिपीट कर लिया है एक बार, और 2 बार और हम रिपीट करेंगे। इस तरीके से जो है हम 10 रोज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरी 10 सिलाइयाँ इस तरीके से कंप्लीट हो गई हैं, ये देखिए। अब जो है 11th रो है फ्रंट साइड पे। अब देखिए एच स्टिच जो है वो हम स्लिप करेंगे यहाँ पे। अब 2 फंदे जो हैं वो सीधे बुनेंगे ऐसे। अब देखिए अब हमने क्या करना है, 2 का एक करना है यहाँ पे। यहाँ पे हम 2 का एक इस तरीके से करेंगे ऐसे, फिर डालेंगे जाली, फिर 2 का एक, और फिर एक जाली ऐसे, उसके बाद 2 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। तो ये शुरू में जो है ये 9 फंदे हमने इस तरीके से बनाने हैं। उसके बाद अब देखिए हमारा 16 फंदों का रिपीट पैटर्न। अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे। अब पहले हम जाली डालेंगे, फिर 2 का एक इस तरीके से करेंगे, फिर एक और जाली डालेंगे, फिर 2 का एक ऐसे करेंगे। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, उसके बाद अब देखिए फिर से 2 का एक ऐसे करेंगे यहाँ पे बैक लूप से, फिर एक जाली डालेंगे, फिर 2 का एक करेंगे और फिर एक जाली डालेंगे यहाँ पे ऐसे, और फिर 2 फंदे
सीधे। तो ये जो बीच के 16 फंदे हमने बुने हैं इन्हें ही रिपीट करते जाना है, और एंड में देखिए 10 फंदे रह जाते हैं, इन्हें हम कैसे बुनेंगे। तो यहाँ पहले 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर 2 का एक ऐसे करेंगे, फिर एक जाली डालेंगे, फिर 2 का एक ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में 2 फंदे सीधे बुनने के बाद एच स्टिच सीधा ऐसे। तो इसके बाद जो है रॉन्ग साइड पे लास्ट रो 12th रो बनाएंगे, पूरी की पूरी उल्टी उल्टी ऐसे। तो ये 12th रो इस तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यही 12 सिलाइयां जो हैं हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल आसान सी रोज है। यहाँ पे जो है मैंने 3 बार इस पैटर्न को बनाया हुआ है, और ये देखिए बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है इस तरीके से। सोबर सा आसान सा डिज़ाइन है ये देखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, पैटर्न पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी अगली नई वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।